नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्या बिजनेस गोट फार्म से। दोस्तों, नमक से बकरी का दूध कैसे बढ़ाएं, आज इसके बारे में जानेंगे। और छोटी सी वीडियो है, स्किप करके ना देखें, अगर इसी पर के देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। और देखिए, अभी शाम का टाइम है और सारे बकरे बकरियों को चारा डाल दिया गया है। सारे बकरे बकरियाँ अपने अपने टब में और अपने अपने फीडर में खा रहे हैं। तो बात करते हैं कि नमक से बकरी का दूध कैसे बढ़ाएं, नमक से दूध बढ़ाने का क्या तरीका है बकरी का। देखिए, इसे बड़े ही बार एक ही चीज़ समझना पड़ेगा। जैसे कि हम एक बकरी, दुधारू बकरी कहीं बाहर से खरीद करके लेके आते हैं, या हमारे फार्म से दुधारू बकरी कहीं गई, वहाँ पर बकरी के दूध में दिक्कत आता है। और जैसे कि अभी सर्दी गया है, गर्मी स्टार्ट हो रहा है, अगर आपकी बकरी दूध दे रही है, वहाँ पर भी आपको महसूस हुआ होगा कि बकरी का दूध कम हो गया है। और गर्मी से फिर बरसात आएगा, वहाँ पर भी बकरी का दूध कम हो जाता है। और बरसात के बाद फिर सर्दी आता है, वहाँ पर भी बकरी का दूध कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, पहले इस चीज़ को आप समझें, बाद में नमक से कैसे उसको रिलैक्स करना है और कैसे कितना देना है, ये सब भी मैं बताऊँगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने कहा, बकरी का जगह चेंज, मैं बकरी कहीं से लेके आया या हमारे यहाँ से बकरी कहीं गई, तो क्या है, जगह चेंज होता है और बकरी थकावट में आ जाती है, यानी स्ट्रेस में आ जाती है, उसका ऊर्जा कम हो जाता है, एनर्जी कम हो जाता है उसके अंदर, इसलिए वहाँ पर दूध कम हो जाता है। और जैसे मैंने कहा, वेदर, मौसम चेंज होता है, मौसम चेंज होने पर भी बकरी का दूध कम होता है, वो बकरी स्ट्रेस में आती है। जैसे ही मौसम बदलता है, वहाँ पर भी बकरी स्ट्रेस में आती है, तो वहाँ पर भी दूध कम हो जाता है। अब आपको करना क्या है, देखिए, मेरे हाथ में नमक का डब्बा है, एक साधारण नमक है, खाने वाला साधारण नमक है, ये जो हम लोग अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, ये वो नमक है। वो आपको लेना है नमक, और नमक लेना कितना है, 3 से 4 ग्राम, एक अंदाज में 5 ग्राम भी चल जाएगा। और आपको लेना है ताज़ा गुनगुना पानी, ताज़ा पानी, फ्रेश, गुनगुना नहीं, ताज़ा फ्रेश पानी लेना है। उस पानी में नमक डाल करके आपको घोल लेना है अच्छे तरीके से, और उस पानी में आपको डालना है गुड़, खांड, जो गन्ने का बनता है, वो गुड़ डालना है। कितना डालना है, जैसे कि अब 4-5 ml, 4-5 ग्राम जो है कि आपका नमक है और 1 लीटर पानी है, उसमें आपको गुड़ डालना है। 25 से 50 ग्राम आप गुड़ डालिए और उसको अच्छे तरीके से घोलिए, घोल करके आप बकरी को पिला दें। इससे क्या है, बकरी के आपको ऊर्जा मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, और जो बकरी स्ट्रेस में गई है, वो स्ट्रेस से बाहर आएगी, उसका जो दूध कम हुआ है, दूध फिर उसका बढ़ जाएगा। तो इस तरीका जो है कि आप अपनी बकरी का नमक से दूध बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, छोटा सा जानकारी था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।